Hello students, so in this lecture today we are discussing about the method of preparation of alcohols from the Grignard reagent and this is the this method is the last method of preparation for the preparation of alcohols and you also know what is the Grignard reagent its formula is its formula is RMGX it is RMGX it is also known as the organometallic complex ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्यों बिकॉज इसमें जो आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट है दैट इज़ अटैच टू दैट इज़ अटैच टू द मेटल दैट इज़ द मैग्नीशियम. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द ऑर्गेनो मेटालिक कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड सो ये लास्ट आपका आ गया अभी तक हम क्या कर चुके हैं अभी तक हम बात कर चुके हैं कि अगर आपको एल्कोहल पर्टिकुलरली एल्कोहल की अगर प्रिप्रेशन करवानी है सो फॉर एल्कोहल यू हैव

सेकेंड मेथड में जो प्रिपरेशन आता था उसमें आता था आपका वो पढ़ा है आपने रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जहाँ पर काबोनाइल uh, होगा कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसकी आपने रिडक्शन करी थी रिड्यूसिंग एजेंट से या फिर आपकी हाइड्रोजनेशन से कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन से ये मैं रिकैप आपको करवा रही हूँ सो दैट ब्रेन में आपका क्या है माइंड मैपिंग map, हो जाए कि किस तरह से अभी हम कहाँ चल रहे हैं अभी हम एल्कोहल की प्रिपरेशन में चल रहे हैं टू मैथड्स आपने कर दिए हैं हम इसमें लास्ट के थर्ड मेथड में पहुँचे हैं जिसमें कि अल्कोहल की प्रिपरेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एंड ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है किसमें हेलो एल्केन में जिसमें कि आप ये इस चैप्टर में पढ़ा है जिसमें कि आप पहले हेलो एल्केन से क्या ग्रिगनाट बनाते थे फिर ग्रिगनाट की प्रॉपर्टीज करी है कि ग्रिगनाट किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या करता है ग्रिगनाट किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड कीटोन इनके साथ रिएक्शन करके आपको एल्कोहल देता है मतलब ग्रिगनाड रिएजेंट की रिएक्शन विद द कार्बोनाइल ग्रुप ये हमने करनी है अभी तो ये आपका सॉर्टेड हो गया अभी तक आपने ये चीज़ें कवर कर ली मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में इसके बाद आएगा आपका फिनोल का आपने फिनोल की प्रिपरेशन इसके बाद करोगे तो फर्स्टली अभी यू ऑल्सो नो कि ग्रिक्नाट रेजेंट क्या है दैट इज द आर एम डी एक्स अब हम देख लेते हैं क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट सो फर्स्टली लेटस सी हाउ वी कैन प्रिपेयर ग्रिगनाट रिएजेंट तो सबसे पहले ये uh, हम समझ लेते हैं कि हम इसे बना कैसे सकते हैं तो इसे बनाने का एक मैथड होता है जिसमें क्या करते हो आप जिसमें आप अल्काइल हल्इट आर एक्स देखो यहाँ पर ये आर जो है वो अल्काइल भी हो सकता है अराइल भी हो सकता है मतलब आर की जगह चेन भी लगी हो सकती है आर की जगह रिंग भी लगी हो सकती है सो वी विल नेम इट एज़ अल्काइल अल्काइल हलाइट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अल्काइल हलाइट ले लिया जब हम अल्काइल हलाइट की रिएक्शन को किसके साथ करवाते हैं एक एक्टिव मेटल जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम क्या है वन ऑफ द एक्टिव मेटल एक्टिव मेटल का क्या मतलब होगा कि ये रिएक्शन जो है इजीली रिएक्ट कर जाता है दिस इज़ द एक्टिव मेटल ये बहुत जल्दी रिएक्ट uh, कर जाता है लाइक like सोडियम जो सोडियम है वो भी एक एक्टिव मेटल है क्योंकि ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी रिएक्शन को दे देते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जब अल्काइल हलाइड रिएक्ट कर रहा है विद ए एक्टिव मेटल फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो आपको नहीं भूलना है दैट इज़ इट इज इट इज़ कैरड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जो ड्राई ईथर होता है देखो वाटर हमें नहीं चाहिए क्योंकि जो मैग्नीशियम है दिस इज वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल तो ये रिएक्टिव मेटल है तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन को करते हैं तो ये फिजिबल uh, होती है रिएक्शन इसीलिए एक्टिव मेटल को मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा द रिएक्शन इज़ कैरड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अब क्या होगा देखो मैग्नीशियम आपको पता है मैग्नीशियम बनाता है टू बॉन्ड्स इसकी वैलेंसी होती है टू मतलब जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है बॉन्ड करने की कैपेसिटी है मैग्नीशियम की वो होती है टू जैसे सोडियम की कितनी होती है बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी वन क्योंकि वैलेंसी उसकी वन है उसी तरह से मैग्नीशियम की जो uh, वैलेंसी है दैट इज़ टू दैट मीन्स इट कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स तो ये क्या करता है मैग्नीशियम आर और एक्स के बीच में आ जाता है और आपको आर एम जी एंड एक्स मिल जाता है मतलब मैग्नीशियम यहाँ पर एक बॉन्ड आर से बना रहा है एक बॉन्ड आपका यहाँ पे हलोजन से बना रहा है एंड दिस दिस थिंग इज द दिस इज द ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिस इज़ क्या है ये ग्रिगनाड दिस इज़ द ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएजेंट और हम क्या कह सकते हैं और इसको जर्नरल नेम क्या लिख सकते हैं इसको दिस इज़ द वन ऑफ द ऑर्गेनो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड देखो ये जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसा हमने कंपाउंड बनाया है जिसमें ऑर्गेनिक वाला पार्ट दैट इज़ आर जो है अल्काइल वाला पार्ट वो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट है किसके साथ मेटल के साथ तो ये हुआ ग्रिगनाड रिएजेंट और ग्रिगनाड रिएजेंट किसके अंडर आता है ऑर्गेनो मेटालिक कम्पाउंडस में ये अलग से ही हायर क्लासेस में आपके पास अलग से ही ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर ना अब ये क्या हो गया इस ये तो आपके पास बन गया ग्रिगनाट रीजन जो आपको चाहिए था इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है वो भी आप साइड बाय साइड देख लो कि मैग्नीशियम इज़ अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैग्नीशियम क्या होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है जैसे आपको पता है एज ऑल मेटल्स क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होता है एंड यहाँ जो आर है एल्काइल जो कार्बन है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होता है मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है इसलिए ये इसे खींचता है यहाँ पे हमने जो एक्स है ये दिस इज़ द हलोचन इसके बारे में ज़्यादा हम कंसर्न नहीं है क्योंकि रिएक्शन जो आगे ग्रिगनाट की होती है उसमें ये बॉन्ड इम्पोर्टेंट होता है ये बॉन्ड टूटता है जो ये एक्स है ये तो एज अ लिविंग ग्रुप है मैग्नीशियम के साथ सपोर्टिव है ये सपोर्ट करने के लिए मेन रिएक्शन आपकी आर और एम के बीच में होगी आर और एम के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा न दिस इज़ द ग्रिगनाट रिएजेंट एंड हमने यहाँ पर इसका क्या बना दिया हमने यहाँ पर इसका प्रिपरेशन अभी समझ ली क्योंकि आपको देखो ये तो पता होना चाहिए कि ग्रिगनाड रीजन कैसे बनाना है क्योंकि समटाइम्स जब आपकी कन्वर्जेंस होती है देन यू शुड नो कि आपको कोई अल्काइल हेलाइट दिया है तो आपको पता है कि ग्रिगनाड रेजन हमें किसी तरह से ज़रूरत है ग्रिगनाड रीजन की तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ग्रिगनाट रेजन तक कैसे पहुँचा जा सकता है अल्काइल हेलाइट से सो so, यहाँ पर तो ये बात होगी अब आते हैं मेन रिएक्शन में जिसमें कि हम अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रिगनाड रीजन जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है और हमने वैसे भी ये पहले पढ़ चुके हैं अब देखो इसमें हम थ्री टाइप की रिएक्शंस करते हैं अलग अलग सबस्ट्रेट लेके फर्स्ट हम करते हैं देखो जो अल्कोहल है फ्रॉम द ग्रिगनाड रीजन बना रहे हैं बट ग्रिगनाड किसके साथ रिएक्शन देता है ग्रिगनार्ट रिएक्ट्स विद आप लिख सकते हो ग्रिगनाड ग्रिगनाड रियजेंट रिए रियाक्ट्स विद रिया विद्विथ कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड कंपाउंड टू गिव टू गिव एल्कोहल तो आपको अल्कोहल मिलेगा और पर्टिकुलरली एल्डिहाइड एंड किटोन की हम बात करेंगे इसमें अब देखो सबसे पहले जो एल्डिहाइड है आपका एल्डिहाइड में हमने क्या लिया हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एल्डिहाइड सबसे बेसिक लिया एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाया हमने एंड एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जो होता है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच उसे क्या कहा जाता है उसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड उसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड फॉर कह लो या फिर इसका अदर नेम क्या होता है मिथेनल क्योंकि एक कार्बन है तो मिथ लग गया ए आया मिथेनल दिस इज द मिथेनल तो आपके पास ये वाली चीज तो हो गई कि आपने जो एल्डिहाइड का है सबसे बेसिक वाला एल्डिहाइड लिया है दैट इज द फॉर्मल्टी अब उसके रिएक्शन किसके साथ करवानी है उसकी रिएक्शन आपको आर एम जी एक्स दैट इज ग्रिगनाट रियजन के साथ रिएक्शन करवानी है अब इसमें क्या होता है आपको पता है ग्रिगनाट का यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा उसी तरह से कार्बन एंड ऑक्सीजन में ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होता है यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ में है उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा जिसकी वजह से काबुनाइल पे हमेशा ये पोलैरिटीज रहती रहती है, हमेशा याद रख लो इन द केस ऑफ काबुनाइल अब क्या होगा जस्ट आपको ऐड करने हैं ऑपोजिट वाले जो है उनको साथ में लिखना है तो यहाँ पर देखो नेगेटिव कहाँ जाएगा पॉजिटिव के पास और यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ जाएगा नेगेटिव के पास अगेन ये जस्ट अभी रिएक्शन है मैकेनिज़्म मैं आगे बताने वाली हूँ इसकी तो आपके पास क्या मिला कि आपने नेगेटिव को इसके साथ जोड़ दिया तो आप को मिला हाइड्रोजन कार्बन एंड यहाँ पर एक ऑक्सीजन है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल रह गया क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन सारे आगे चले गए हैं और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला पार्ट मतलब पॉजिटिव पार्ट कौन सा है एम पूरा पॉजिटिव है तो एम जी यहाँ पर पूरा लग गया एंड उसके बाद हाइड्रोजन पहले से था अब कार्बन पर आपका आर वाला ग्रुप लग जाएगा नाउ अब हमें पता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव है एंड मैग्नीशियम जो है उस पर पॉजिटिव है ये आपका एक क्या बना दिस इज अडक्ट ये आपका अडक्ट बना जो रिएक्शन के बीच में आपको मिल रहा है दिस इज़ अडक्ट हम इसे कहते हैं अडप्ट ये रिएक्शन टू स्टेप में मतलब दो स्टेप होते हैं इसके फर्स्ट स्टेप में ये हो गया सेकंड स्टेप में आपका क्या हो जाएगा कि रिएक्शन में जो है अब आपको क्या है वी आर वेरी क्लोज इन इन ऑप्टेनिंग द एल्कोहल क्योंकि आपके पास यहाँ पर ओ आ चुका है सिंगल बॉन्ड के साथ जस्ट आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ऑक्सीजन के साथ किसी तरह से यहाँ पे एच आ जाए सो दैट ओ एच ग्रुप हमारे पास पूरी तरह से आए सो so इसके लिए क्या करोगे इसके लिए आप वाटर लोगे क्योंकि उसमें एच पॉजिटिव भी है और ओ एच नेगेटिव आयंस भी है सो वॉट हैपन्स कि यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एज एजेट इज चीज़ें रहेगी कार्बन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन भी है दिस इज द आर और यहां पर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोजन लग जाएगा क्योंकि यहाँ वाटर ने एच पॉजिटिव ऐसे दे दिया और साइड बाय साइड साइड बाय साइड आपके पास एक और प्रोडक्ट मिलेगा जो होगा मैग्नीशियम वाला अब मैग्नीशियम के साथ एक बार आपका ये जो वाटर है उसमें एच पॉजिटिव भी है ओ एच नेगेटिव भी है तो यहाँ पर ओ OH एच भी लग जाएगा मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम साथ ही एक्स पी लग जाएगा तो आपने ये देखा कि अगर आप फॉर्मेलिटी हैंडेनो मिथेनल ले रहे हो तो आपको ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन में आपको क्या मिलता है वन डिग्री अल्कोहल। तो हमें यहां ये लिखना बहुत जरूरी है कि यू यू गॉट वन डिग्री अल्कोहल कब आपको वन डिग्री एल्कोहल मिला जब आपने बहुत बेसिक दैट इज़ मिथेनल लिया एल्डिहाइड में तो वैसे ही दूसरी जगह क्योंकि अभी आपके पास इसके बाद एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम कंक्लूड करने वाले हैं अब यहाँ पर क्या है हम जनरल ले रहे हैं आर कैन बी एनी थिंग आर आपकी कोई भी चेन हो सकती है अब हमने एल्डिहाइड कौन सा लिया है देखो ये आपने बेसिक एल्डिहाइड लिया था जिसमें यहाँ पे एच लगा था दैट इज़ मिथेनल और उसके बाद हमने अब एल्डिहाइड लेने हैं जो कि कोई भी एनी अदर हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो एल है वो क्या है एनी एल एनी एल अदर देन अदर देन अदर देन आपका फॉर्मल जो फॉर्मल्टी है उसके अलावा कोई भी आपका एल होगा तो उसके लिए आपका जो प्रोडक्ट होगा लास्ट में वो अलग बनेगा वो देखते हैं तो इसके रिएक्शन हो रही है आर के साथ आर के साथ फिर से दोबारा से वही करो कि पुलारिटीज़ ले आओ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा अगेन अब क्या करना है आपको कि ऑपोजिट जो साइंस है उसको साथ में लगा दो तो इसके पास ऑक्सीजन के पास एम जी एक्स आ गया एंड यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है एंड हाइड्रोजन पहले से है एंड जो आर है आपका आ, आर है यहाँ पर आपका वो लग जाएगा और सपोज इसको आर डैश कर दिया क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आ रहा है तो चलो इसको आर डैश ले लेते हैं तो यहाँ पर ये यह जो आर डैश है ये यह यहाँ पर लग गया एंड दिस इज़ वर्ड दिस इज़ ऑल्सो द ये क्या होता है दिस इज़ द अडक्ट कि आपके पास एक क्या बनता है अडक्ट बनता है और फिर उसके बाद जो रिएक्शन होती है रिएक्शन होती है और रिएक्शन में आप वाटर डालते हो तो आपको पता है लास्ट में क्या बनना है कि जहाँ पर ओ है उसके साथ हाइड्रोजन लगना है बाकी एज इट इज़ सब चीज़ें रहेगी यहाँ पर डैश लगा दो और साथ में जो मैग्नीशियम वाला पार्ट है उसमें ओ एच पी लगा है एंड एक्स पी आपके पास लगाए ये साइड प्रोडक्ट है तो ध्यान से देखो ये वाला जो अल्कोहल है ये कौन सा है कार्बन कौन सा है यहाँ पे टू डिग्री है तो ओवरऑल जो अल्कोहल होगा दैट वुड बी टू डिग्री अल्कोहल इसका मतलब हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लिया कि अदर देन फॉर्मल्टीहाइट कोई भी एल्डीहाइट हो तो उससे आपको टू डिग्री एल्कोहल मिलेगा नाउ कम्स टू द कीटोन अब एल्डिहाइड का तो पूरा हो गया अब कीटोन में क्या होता है कीटोन में हम एक जनरल कीटोन ले लेते हैं सपोज यहाँ पर आर आर सिमिट्रिकल वाला है यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकते हैं उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए नाउ दिस इज़ द कीटोन दिस इज कीटोन अब कीटोन के रिएक्शन अगर आप करवाते हो किसके साथ कीटोन की रिएक्शन अगर आप करवाते हो आर एम जी एक्स के साथ आर डैश ले, ले लेते हैं आर डैश एम जी एक्स तो यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है फिर से यहाँ पर क्या है आपका डेल्टा नेगेटिव है यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है सो क्या होगा फिर से वही कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास चला जाएगा तो आपके पास क्या मिला आर सी यहाँ पर क्या लगा है यहाँ पे ओ नेगेटिव एम जी एक्स और एम जी पर पॉजिटिव है एंड यहाँ पर आर है ये तो अभी एज इट इज़ है और ग्रिग्नॉड से आपको एक आर डैश मिला है अब क्या होगा इसको इसको फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी एंड आपको मिलेगा सी यहाँ पर ओ एच आ जाएगा यहाँ पर आर आएगा यहाँ पर आर डैश पहले से है और साथ में आपको मैग्नीशियम वाला जो पार्ट है वो ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन उसने लिया है और उसके साथ ये बन गया तो आपने ध्यान से देखो कि आपको मिला क्या आपको जब कीटोन की रिएक्शन ग्रेगनाट के साथ करवाई जा रही है तो आपको मिल रहा है थ्री डिग्री अल्कोहल और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि थ्री डिग्री जो अल्कोहल है वो आपके जो पहला मेथड था आपका पहले जो कार्बोनाइल की रिडक्शन थी एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन से कभी भी थ्री डिग्री अल्कोहल नहीं मिलता था इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रिग्नार्ट रिएजेंट की हेल्प से अगर कीटोन में ग्रिगनार्ट रिएजेंट की रिएक्शन करवाई जाए तो आपको थ्री डिग्री अल्कोहल भी मिलता है तो अब ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है तो हम इसकी अब समराइज इसको करते हैं समरी है आपकी इस तरह से कि जब ग्रिगनार्ट रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मलिटी के साथ होगी फॉर्मलिटी या फिर मिथे एथेनल मतलब बेसिक बेसिक आपका एल ऐसे याद रखो जो पहला पहला एल होता है एक कार्बन वाला एल उसे कहते हैं फॉर्मल जो पहला कार्बन है पहला आपका एल है उसकी रिएक्शन अगर ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ हो रही है तो वो आपको क्या देगा आपको श्योरली आपको मिलेगा वन डिग्री एल्कोहल अगर ग्रिगनाट रिएजेंट की रिएक्शन आपकी Uh, किसके साथ हो रही है एनी अदर एल्डी एक्सेप्ट मिथेनल मिथेनल का क्या मतलब हुआ मतलब फॉर्मलिटी मिथेनल और कुछ नहीं है फॉर्मलिटी ही है मतलब फॉर्मेलिटी के अलावा कोई भी एल्डी होगा तो उसकी रिएक्शन अगर आर के साथ करोगे तो आपको टू डिग्री एल्कोहल मिलेगा सिमिलरली इफ़ यू डू द रिएक्शन ऑफ द ग्रिगनाट रीजन विद द किटोन यू विल श्योरली गेट द थ्री डिग्री एल्कोहल और ये इंपॉर्टेंट है अब देखो देखने वाली ये बात है इसमें क्या चीज़ हो रही है कि आपको जब भी आप िगनाड की रिएक्शन किसी के, के साथ करवाते हो खासकर उस उन कंपाउंड्स के साथ जिनके पास सी डबल बॉन्ड ओ है तो आप देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जो ग्रिगनाड रिएजेंट है वो अपने जो ये आर वाला ग्रुप है अल्काइल वाला ग्रुप है वो देता है रिएक्शन में और इसकी वजह से जब भी ग्रिगनाड की रिएक्शन इस तरह से होती है हमेशा आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कार्बन नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं जैसे यहाँ पर था कार्बन नंबर क्या थे दो कार्बन थे तो अगर जब ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन होगी तो ग्रिगनार्ड का एक्स्ट्रा जो अल्काइल है वो आपको यहाँ पे लगा मिला इसका मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग आपको अगर ग्रिगनार्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी होती है तो आपको जो प्रोडक्ट है उसमें इंक्रीज कार्बन नंबर का आपको प्रोडक्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू योर स्टार्टिंग मटेरियल मतलब यहाँ पे कम है कार्बन नंबर तो आपको ज़्यादा कार्बन नंबर देखने को मिलेगा सो so, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है देखो अब इसकी यूटिलिटी कहाँ जब आपके जब आपकी कन्वर्जन रिएक्शंस होती है तो आपने ये देखा है कि हमें लास्ट में एक एक या दो जितने भी कार्बन नंबर ज़्यादा वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आपने हमेशा एक एक बार इसे कंसीडर ज़रूर करना है इसको सोच के ज़रूर देखना है ग्रिगनार्ट रिएजेंट को कहीं रिएक्शन इसके साथ तो नहीं हो रही है क्योंकि ग्रिगनार्ट रिएजेंट हमेशा कार्बन नंबर्स को बढ़ाता है प्रोडक्ट में बिकॉज ग्रिगनार्ट रिएजेंट की खास बात यह है कि ये आर ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप वो प्रोवाइड करता है रिएक्शन में इसकी ऑब्वियसली अगर अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड होगा तो इवेंचुअली वो क्या करेगा रिएक्शन में कार्बन नंबर को इंक्रीज करेगा तो ये एक काम होता है कन्वर्जेंस में तभी ग्रिकनाट रिएजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अब हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की ओर नव सी इट्स मैकेनिज्म मैकेनिज्म में क्या करना है कि सबसे पहले देखो वैसे मैकेनिज्म में एल्डिहाइड कीटोन हम ले सकते थे बट हमने इसको जनरलाइज़ करने के लिए सिर्फ एक कार्बोनाइल लिया है क्योंकि देखो एल्डिहाइड में भी काबोनाइल है अगर आप आर और एच लगाओगे तो ये बनेगा एल्डिहाइड अगर आप आर और आर इधर लगाओगे तो ये बनेगा कीटोन तो हमने ये बेस्ट है कि आप काबोनाइल ले लो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये इट कैन बी एल्डिहाइड इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंड करता है कि क्या सब्सटिट्यूंट आपने जोड़े हुए हैं ओके नाउ ये आपने ले लिया अब इसके बाद क्या हुआ इसके रिएक्शन करवानी है किसके साथ इसके रिएक्शन करवानी है आपको आर एम जी एक्स के साथ आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन करवानी है एंड आर एम जी एक्स का जो ग्रिगनाट रिएजेंट है उसका आपको पता है कि यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव पोलारिटी आती है यहाँ पे पॉजिटिव आती है और आपको काबोनाइल का भी पता है कि यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव पोलारिटी आती है यहाँ पे पॉजिटिव पोलारिटी तो आती आती है अब इसमें क्या होगा इसमें अगेन वही चीज़ होगी कि आपका सबसे पहले क्या होता है पहले स्टेप में जो ये है कि यहाँ पर जो ग्रिगनार्ट रिएजेंट है उससे एक न्यूक्लियोफाइल आपको मिलता है अगर पूछा जाए कि ग्रिगनार्ट रिएजेंट में ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रिगनार्ट रिएजेंट में वॉट इज द न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल हेयर इज वॉट एलकाइल आर नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करेगा तो सबसे पहले जो चीज़ होने वाली है वो ये है कि जो आर नेगेटिव है वो अटैक करने वाला है आपका किस पे वो अटैक करने वाला है इस पार्शल नेगेटिव पे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव है तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा जब ये इधर को चला गया तो इसके पास अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ऑक्सीजन के पास अपॉर्चुनिटी मिल गई कि इसको पूरी तरह इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की तो अब क्या हो गया ऑब्वियसली कार्बन के साथ आर ग्रुप लग जाएगा और ऑक्सीजन पे जो फुली नेगेटिव चार्ज आया पहले तो पार्शियल था बट जब इसने कार्बन ने इसकी तरफ बॉन्ड बनाने की कोशिश करी तो ये वाला जो बॉन्ड है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया और इसीलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और पीछे पड़ा हुआ जो पार्ट है एम जी एक्स वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा तो वही हम चीज़ आगे दिखाने जा रहे हैं इसमें क्या होगा आपका कि जो कार्बोनाइल है देखो जो ये कार्बोनाइल है उसके पास ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन पे क्या है बिकॉज ये बॉन्ड पूरा का पूरा पहले तो पार्शल तो था अब पूरा का पूरा बॉन्ड इस पर आ चुका है तो ऑक्सीजन हैव द नेगेटिव चार्ज ओवर इट एंड आपके पास जो साइड वाला पॉजिटिव पार्ट था वो भी आपके पास इसके साथ लग गया क्योंकि ऑपोजिट चीज़ें लगेगी साथ में ऑपोजिट चार्जेस वाली अब क्या हुआ ये वाले तो चलो पहले से लगे हैं जो आर न्यूक्लियो है आपका वो आप किसके साथ सॉरी यहाँ नहीं लगेगा जो आर न्यूक्लियो है वो इस तरह से मैं बता देती हूँ दिस इज़ द आर न्यूक्लियोफाइल जो कि आपका लगा हुआ है अब जो ये पूरा जो आपका बना है इसे कहते हैं अडक्ट इसे कहते हैं अडक्ट जिसमें कि ऐसी ऐसे बॉन्ड्स बने हैं अब इसके बाद क्या होगा कि जो इसके रिएक्शन है इसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ इसके रिएक्शन किसके साथ होती है वॉटर वाटर में क्या होता है एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव पार्शल कर देते हैं हम ये ओ एच नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं अब देखो क्या होगा जो ओ नेगेटिव है उसको ज़रूरत है किसकी एच पॉजिटिव की तो यहाँ से ओ नेगेटिव जो है वो एच पॉजिटिव को ले लेगा एंड जो एम जी एक्स वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव को ले लेगा सिंपल थिंग तो आपके पास क्या बना लास्ट में आपके पास यहाँ पे जो कार्बन था एंड उसके पास ये आर ग्रुप पहले से लगा हुआ था एंड उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल गया एंड आपको यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ वाटर से हाइड्रोक्साइड मिल गया एंड यहाँ पे एक्स मिल गया तो ये वाली जो चीज़ है ये वाली जो चीज़ है दिस इज द एल्कोहल आपको क्या मिला दिस इज़ द एल्कोहल अब ये एल्कोहल जो है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सबस्टेट कि आपने क्या लिया है अगर आपने मिथेनल लिया है तो आपको वन डिग्री मिलेगा एनी अदर एल्डिहाइड लिया है अदर देन द मिथेनल तो आपको टू डिग्री मिलेगा किटोन लिया है तो आपको मिलेगा थ्री डिग्री एल्कोहल सो मैकेनिज्म में यही है कि मैकेनिज्म में ये हो रहा है इन अब मैकेनिज्म, इन द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ग्रिगनाट रिएजेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप टू फॉर्म एन अडक्ट सबसे पहले अडक्ट बना देगा इन द सेकेंड स्टेप अडक्ट इज हाइड्रोलाइज टू द टू यील्ड एल्कोहल सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है इसकी हाइड्रोलेसिस हाइड्रोलेसिस होती है वाटर का लगना और वाटर इसे एच पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से एल्कोहल मिला है तो हम सम यहाँ पर एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि फ़र्स्ट एग्जाम्पल में है आपका अब आर की जगह हमने पर्टिकुलर एल्कोल ग्रुप्स लगाए हैं ओके सो फर्स्ट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच ये क्या है बेसिकली दिस इज द एसिटोन इसे एसिटोन कहते हैं ग्रिगनाट रीजन के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली यहां नेगेटिव है यहां पर पॉजिटिव है यहां पर भी नेगेटिव है यहां पर भी पॉजिटिव है तो देखो अब रिएक्शन में कैसे देखना है डायरेक्ट जब आपने पोलैरिटीज़ इसकी ड्रॉ कर दी तो डायरेक्ट आप क्या करोगे नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा तो आपका बना सी एच थ्री सी और ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव एंड यहाँ पे एम जी एक्स पॉजिटिव आएगा एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड कार्बन के साथ आपका आर जो है जो न्यूक्लियोफाइल है वो लग गया ओके okay, तो यहाँ पर ये आपका बन गया इसके बाद इसे हाइड्रोलाइसिस की जरूरत होती है तो इसके हाइड्रोलाइसिस होने का फ़ायदा ये हुआ कि इसे H पॉजिटिव प्रोवाइड हो गया और हाइड्रोक्साइड ग्रुप इन्होंने बना दिया नाउ दिस इज द आर एंड यहाँ पर क्या है Mg Mg OH एंड X वाला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है तो आपने यहाँ पर देखा कि जब एसेटोन ले रहे हो तो आपके पास क्या बन रहा है दिस इज द टू डिग्री अल्कोहल क्योंकि ये जो कार्बन है ये जो कार्बन है दिस इज टू डिग्री क्योंकि ये एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ा है दिस इज अ टू डिग्री अल्कोहल और वैसे भी हमने करा था कि ऐसे केसेस में टू डिग्री अल्कोहल मिलता है जब अदर देन मिथेनल हो ना इन सेकेंड आपके पास ये क्या है दिस इज द कीटोन दिस इज वॉट दिस इज द एसिटोन दिस इज द एसिटोन और यहाँ पर जो है दिस इज़ नॉट एसीटोन दिस इज़ वॉट दिस इज़ द एसिटल डी हाइड एसिटल डी हाइड दिस इज़ द एसिटल डी हाइड है तो यहाँ पर आपने जो कीटोन लिया है वो आपका एसिटोन है उसके साथ फिर से नेगेटिव पॉजिटिव पोलारिटीज़ आपको जनरेट करनी है यहाँ पर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव है जस्ट आपको बाद में सी एच थ्री यहाँ पर पोलरिटीज़ जो ऑपोजिट है उनको मिलाना है तो एम जी X ये पॉजिटिव है यहाँ पर आपका सी एच थ्री है यहाँ पर आपका जो R ग्रुप है वो इसके साथ अटैच हो चुका है तो आपको ये अडक्ट मिल गया अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगी यू विल गेट सी एच थ्री सी एंड यहाँ पर ओ OH एच हो गया यहाँ पर आपका सी एच थ्री हो गया एंड यहाँ पर आपका R हो गया एंड साथ ही साथ मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड एंड आपका X भी मिल गया सो नाउ वट इज दिस ये है आपका थ्री डिग्री एल्कोहल वॉट इज दिस दिस इज अ थ्री डिग्री अल्कोहल तो वैसे भी अगर कीटोन लेते हो तो थ्री डिग्री अल्कोहल बनता ही बनता है तो दूसरा आपका है दूसरा भी आपका एग्जांपल कौन सा लिया गया है दिस इज़ ऑल्सो द कीटोन जो कि की स्मिट्रिकल अब नहीं है अन आपका कीटोन है आर एम डी एक्स लिया है तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा अब आर भी इसमें सी एच थ्री वाला लिया है अब क्या होगा फिर से यहाँ पर पोलैरिटीज करवा दो अब यहाँ पर आपके पास क्या बना कि कार्बन है उसके ऊपर ओ नेगेटिव एंड एम जी एक्स तो होगा एंड ये पॉजिटिव होगा एंड क्या है यहाँ पे सी एच थ्री है तो यहाँ पर हम सी एच थ्री इसको लगा देते हैं ऐसे और सी एच टू सी एच थ्री को सी एच टू सी एच थ्री को इस तरह से नीचे लगा देते हैं एंड क्या होगा यहाँ से जो तो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर लगेगा तो आपके पास यहाँ पर क्या है यहाँ पर सी एच थ्री है जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा सी एच थ्री कार्बन एंड यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री एंड यहाँ पर आपका ओ OH एच मिल गया एंड यहाँ पे आपका सी एच थ्री मिल गया एंड साथ ही साथ एम जी ओ एच एक्स भी आपके पास मिल गए तो देखा जाए तो ये क्या है दिस इज़ ऑल्सो द थ्री डिग्री एल्कोहल दिस इज़ ऑल्सो द थ्री डिग्री एल्कोहल क्योंकि आपकी जो आपकी जो किटोन है उसकी अगर रिएक्शन करवाई जाए तो आपको हमेशा थ्री डिग्री एल्कोहल ही मिलता है एक बात नोट करने की बहुत ज़रूरत है आपको कि जो ग्रिगनाट रिएजेंट है प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा एल्काइ ग्रुप टू द रिएक्शन कि हमेशा जो कार्बन नंबर है ग्रिगनाट हमेशा उसको बढ़ाता है बिकॉज वो जो न्यूक्लियोफाइल दे रहा है वो न्यूक्लियोफाइल ही आपका एक अल्कॉल ग्रुप दे रहा है तो ऑब्वियसली वो जो रिएक्शन में कार्बन नंबर है प्रोडक्ट में वो उसको इवेंचुअली इंक्रीज करता है नाउ अदर रिएक्शन जो इसके दर दैन एल्टीहाइड किटोन जो ग्रिगनार्ड की रिएक्शंस रियाक्शंस uh, है वो इनके साथ रिएक्शन भी करता है दिस इज वॉट दिस इज द इपोक्साइड दिस इज वाट दिस इज द ईपोक्साइड मतलब ऑक्सीरेन हो गया जैसे कि ईथर जो होता है उसका जो साइक्लिक फॉर्म होता है जस्ट थोड़ा uh, देख लो सो so दैट आपको पता चल जाए कैसे कैसे होना है तो यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है वही चक्कर होता है नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर आपका पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है अब क्या होगा कि जो आपका नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ऑब्वियसली तो नेगेटिव वाला जो है आपका वो पॉजिटिव की तरफ गया सपोज ये आपका पॉजिटिव की तरफ गया और जो नेगेटिव ये वाला बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड है ये पूरा इसने खींच लिया ऑक्सीजन ने देखो क्या हो रहा है जो न्यूक्लियोफाइल है आर नेगेटिव वो पॉजिटिव की तरफ गया तो इस वजह से जो ये बॉन्ड था ये पूरी तरह ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया और जो नेगेटिव था उसके साथ पॉजिटिव आपका लग जाएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का ही सारा खेल है तो आपका क्या हुआ सी एच टू सी एच टू एज इट इज़ रखो सी एच टू सी एच टू एज इट इज़ रखा एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन था उसके साथ क्या हुआ नेगेटिव और एम जी x पॉजिटिव ये वाला पार्ट लग गया इसके साथ एंड जो पॉजिटिव था उसके साथ नेगेटिव ये लगा तो यहाँ पर नेगेटिव मतलब आर लग गया तो फिर से वही चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पर H पॉजिटिव की जरूरत है तो आप वाटर से रिएक्शन करवाते हो नाउ दिस इज सी एच टू सी एच टू दिस इज योर आर एंड दिस इज वर्ट दिस इज द ओ एच तो आपके पास यहाँ पर रिएक्शन क्या मिल रही है दिस इज द वन डिग्री अल्कोहल आपको क्या मिल रहा है अगेन यहाँ पर आपको वन डिग्री अल्कोहल देखने को मिल रहा है अल्कोहल और इसमें देखने को मिल रहा है कि जो कार्बन नंबर है वो इंक्रीज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आर यहाँ पर दो कार्बन थे बट यहाँ पे दो कार्बन के साथ एक एल्काइल भी प्रेजेंट है आर मतलब आर कैन भी एनीथिंग आर टू कार्बन वाला भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है एंड वन भी हो सकता है नाउ इसमें आर एम जी एक्स अब ये है कि सिंपल जैसी रिएक्शन है आपका ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन देता है हाफ मोल हमने लिए हैं तो फिर से ये नेगेटिव है दिस इज पॉजिटिव अब ऑक्सीजन क्या करता है ऑक्सीजन होता है डाइवेलेंट मतलब दो बॉन्ड्स बनाता है ये ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन क्या करेगा जो आर और एम जी है जो आर और एम जी है बिल्कुल इनके बीचों बीच चला जाएगा और आपको मिलेगा आर ओ एंड एम जी एम जी एक्स अब इसमें क्या होगा कि जो ओ है ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ओके okay, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा क्योंकि मेटल जो है मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन है इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो इन दोनों में पोलैरिटीज जनरेट होने लगेगी फिर से अगर इसमें वाटर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा वाटर में एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन होते हैं यहाँ पर इतने वाले पार्ट को आपको H पॉजिटिव देना है तो इससे आपको आर ओ एच मिलेगा अल्कोहल और दूसरी जगह फिर से एम जी और वाटर का आपने यहाँ पर ओ एच ले लिया एंड आपको यहाँ पर एक्स मिला तो आप देखा जाए यहाँ पर भी आपको एक अल्कोहल ही मिला है जब रिएक्शन होती है आपकी किस से जब रिएक्शन होगी आपकी ऑक्सीजन से ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है तो होपफुली आपको ग्रिगनार्ट के बारे में सब चीज़ें पता होगी पता चल गई होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन रिएक्शंस के लिए और यहाँ पर आपके अल्कोहल की जो प्रिपरेशन के मेथड्स थे थ्री मेथड्स थे तो तीसरा आज कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट में अब हम शुरू करने जा रहे हैं फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थैंक यू सो मच